हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का साइंस चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बेसिकली जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है? सन। हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसकी खुद की लाइट होती है, द ऑब्जेक्ट विच हैव इट्स ओन लाइट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सन होगा जो नेचुरल है। और मेन मेड एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब मेन मेड एग्जाम्पल जिसकी खुद की लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जो किसी चीज़ की लाइट को ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट करता है, तो वो बेसिकली सारी चीज़ें नॉन ल्यूमिनियस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं टेबल, चेयर, बुक्स, कॉपी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको मीटर में कहना चाहें तो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है। लाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? The bouncing back of light is known as reflection. The bouncing back of light when strike on the same medium. जब सेम मीडियम में जाकर कोई एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक बॉल को फेंकते हैं आप, तो बाउंस बैक के वापस आता है, वैसी लाइट होती है। कई बार सपोज कीजिए कोई लाइट किसी पर स्ट्राइक की और उसे वापस रिफ्लेक्ट होकर आ गई, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन में दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन का। सपोज कीजिए एक स्मूथ सरफेस है हमारे पास। अब वो स्मूथ सरफेस जो है, जो स्मूथ सरफेस उसके ऊपर लाइट आई, लाइट पड़ेगी। अब पैरेलल लाइट्स आती हैं, सारी लाइट्स पैरेलल आती हैं। जब पैरेलल लाइट्स आती हैं और वापस भी पैरेलल जाती हैं तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब जब लाइट पैरेलल आती है और जाती भी पैरेलल है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस इसका रेगुलर रिफ्लेक्शन का जो एग्जाम्पल है आप मिरर में देख सकते हैं। स्मूथ सरफेस का मिरर, वहाँ पे लाइट आती है पैरेलल और जाती भी पैरेलल है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन आप हर जगह देख सकते हैं, लाइट आती तो पैरेलल है पर जाती किसी भी डायरेक्शन में है, उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वह है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। सपोज कीजिए हमारे पास एक मिरर है, लाइट इंसिडेंट रे, एक लाइट जाके उस मिरर को टकराई। जो लाइट जा रही है और मिरर को जो टच कर रही है तो उस लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब टच करती है मिरर को तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। जो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल कहा जाता है, जो मिरर के परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस लाइट को, उस रे को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब फर्स्ट लॉ जो है इसका वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये इसका क्या है? फर्स्ट लॉ इसका, रिफ्लेक्शन का। वंस अगेन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट जो लॉ है इसका, वो जो लॉ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि एंगल आर। एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे दो लॉज हैं किसके? लाइट के, मतलब रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर अगर जो लाइट है वो इंसिडेंट रे जो है अगर नॉर्मल के ऊपर पड़ती है, मतलब परपेंडिकुलर जाती है, अगर इंसिडेंट रे मिरर के परपेंडिकुलर ही जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा जीरो होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता किसके बीच में है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अगर नॉर्मल जो है वो डायरेक्ट किसके, मतलब इंसिडेंट रे जो है वो डायरेक्ट नॉर्मल के ऊपर ही जाएगी तो एंगल कुछ नहीं बनेगा, तो एंगल आई क्या हो जाएगा? जीरो। अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी क्या होगा? वो भी होगा जीरो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो टाइप के इमेज होते हैं, एक होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और वर्चुअल का मतलब क्या होता है? एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं
तो आप सीधे खड़े हैं तो आप सीधे दिखाई देते हैं, मतलब जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती, जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, इमेजिनरी इमेज उसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं। रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है उसको रियल कहते हैं। याद रखिएगा वर्चुअल जो है हमेशा इरेक्ट फॉर्म करता है, मतलब इरेक्ट, वर्ड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप सीधे खड़े तो सीधे दिखेंगे, उल्टे खड़े हैं उल्टे दिखेंगे, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही इमेज दिखाई देगा, उसको हम लोग वर्चुअल, उसको इरेक्ट कहते हैं। इरेक्ट मतलब कि सीधे हैं तो सीधे खड़े होंगे दिखेंगे आप। इन्वर्टेड, रियल अनइन्वर्टेड, रियल मतलब कि स्क्रीन पे फॉर्म होगा इमेज, जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होगा उसको हम रियल इमेज कहते हैं, और जो इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, अगर आप सीधे खड़े हैं तो आप उल्टे दिखेंगे, ऑपोजिट, वो हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म होता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको जब भी यही कैरेक्टरिस्टिक समझनी होगी, आप अपने आप को सपोज कीजिए कि अगर मिरर के सामने खड़े हैं, उसमें सबसे अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। सपोज कीजिए आपके सामने मिरर है, जितना दूर आप मिरर से जाते रहेंगे आपका इमेज भी उतनी दूर जाती जाएगी। इससे ये पता चलता है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज की डिस्टेंस मिरर से दोनों सेम होती है। जितना पास ऑब्जेक्ट जाएगा मिरर के उतनी पास इमेज भी आएगी, जितना दूर ऑब्जेक्ट जाएगा उतना दूर इमेज भी जाएगी। दूसरा पॉइंट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज ये दोनों भी हमारा सेम होता है। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है और ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट दोनों सेम दिखती है। तीसरा पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड, इस वर्ड का मतलब लेफ्ट की चीज़ राइट में दिखती है और राइट की चीज़ लेफ्ट में दिखती है। अगर आप लेफ्ट हैंड राइज करते हैं तो इमेज में राइट हैंड राइज होगा, अगर आप राइट हैंड रेज करते हैं तो इमेज में लेफ्ट हैंड रेज होगा, इसलिए कहते हैं कि लेटरली इन्वर्टेड। जो लास्ट पॉइंट है वह वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने क्या बताया था, वर्चुअल मतलब इमेज जो इमेजिनरी इमेज होती है, एग्जांपल जो इमेज मिरर में फॉर्म होती है वो इमेजिनरी है, असलियत में वो इमेज होती नहीं है, हमको दिखती है। जो इमेज इमेजिनरी होती है वो हमेशा इरेक्ट होता है, क्योंकि आप सीधे खड़े तो सीधे दिखेंगे मिरर में, अगर आप उल्टे खड़े तो उल्टे दिखेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट प्लेन मिरर में क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारी चार कैरेक्टरिस्टिक हो गई प्लेन मिरर। अब हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व्ड मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, दे आर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, देखिए ध्यान से, इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। जिसका कर्व्ड क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्पून, स्पून आपने देखा होगा कि जो अंदर की तरफ जो होता है वो कर्व्ड रहता है, तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। एग्जांपल, कॉनकेव मिरर हमेशा जो है वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाती है। क्यों कहलाती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जैसे कि हमने अगर पैरेलल लाइंस गई मिरर में, कॉनकेव मिरर में लाइंस अगर पैरेलल जा रही हैं तो सारी की सारी जो लाइंस हैं वो आप कहाँ बनेगी, एक जगह आके मीट हो जाएंगी, एक पॉइंट पे मीट होंगी, कन्वर्ज करेगी एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। इसीलिए हम लोग कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर, इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द कॉन्वेक्स मिरर द गेट डाइवर्ज एंड अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट बिहाइंड द मिरर। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जैसे लाइन पैरेलल गई तो वो डाइवर्ज होगा, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, पर हम एक इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे जो एक जगह आके मीट होगी और उस पॉइंट को फिर से क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं, इसे फोकस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टर्म्स समझते हैं। टर्म्स यूज इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं टर्म्स। पहले मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूँ,
फिगर देखने से आपको पता चलेगा कैसे कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे P लिखा हुआ है, P, इस P का मतलब पोल होता है। ये जो लाइन होती है उस लाइन को एक्स वाई कहते हैं, इसको हम लोग एक्स वाई प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। इसी के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट होता है सी, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब पूरा जो स्फेयर है, पूरा जो अपना लेंस होता है, मतलब जो अपना मिरर होता है, वो पूरा एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है। उसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर से लेकर पोल तक, आप एक सेंटर मान सकते हैं, सेंटर से लेकर पोल तक मतलब कि सर्कल के एकदम उसके कॉन्टैक्ट में जो है, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। और उसका हाफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पी का हाफ करेंगे तो हमारे पास एफ पी मिलेगा, जस्ट उसका हाफ। तो जहाँ पे वो टच करता है पॉइंट को उसको फोकस कहते हैं, और उसकी लेंथ को कहते हैं फोकल लेंथ। यहाँ पे वही डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ध्यान से देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जैसे कि हमारा पॉइंट सी था। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जैसे सी पी। पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सेस, जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन जा रही थी उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस, मैंने बताया था आपको कि जो पॉइंट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बिल्कुल हाफ करने पे जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एंड द फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। उसका जो हाफ होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, उस लेंथ को। मतलब फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगी, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जो हमारा फॉर्मूला कौन सा है, एफ इजिकल टू आर अपॉन टू। नेक्स्ट, अब हम लोग रूल सीखेंगे रिफ्लेक्शंस के। जैसे कि हम इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास टोटल फोर रूल्स हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के, वो हम सीखेंगे। चलिए रूल्स हम लोग कर लेते हैं। पहला रूल्स है कि अगर लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के तो वो क्या होगा कि स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। जब भी स्ट्रेट लाइन जो प्रिंसिपल एक्सेस के जाएगी वो हमेशा फोकस से पास होगा। नेक्स्ट जो है आप कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं, लाइन अगर पैरेलल जा रही है तो कहाँ से पास होगी, वो भी पास होगा फोकस से। आप देखिए फोकस से पास होगा। अब हमारा सेकेंड रूल जो है, सेकेंड रूल आप जैसे देख सकते हैं, अगर लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। वैसे आप दूसरा देख सकते हैं, अगर लाइन सेम इसमें भी कि अगर लाइन फोकस से पास हो रही है कॉन्वेक्स में भी तो कैसे जाएगी, पैरेलल बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जाती है तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी तो वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। फोर्थ और लास्ट रूल जो है, अगर पोल पे लाइट टकराती है तो उसमें रूल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला लगेगा, और सीपी जो है नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, इक्वल, सेम